YouTube चैनल वन ही जीवन में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेड़ पौधों की अजब दुनिया। इसमें आप देखेंगे पेड़ों पर पेड़ उगने की कहानी, है ना अजीब बात। महुआ और आम के पेड़ों पर पीपल या बरगद के पौधे या पेड़ उगे हुए जरूर देखे होंगे, पर आपने कभी सोचा है कि ये पीपल या बरगद के पेड़ या पौधे ही क्यों पेड़ों पर अपने आप उगाते हैं तथा मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों के अभाव में भी फलते फूलते हैं। पेड़ों पर पीपल या बरगद के पेड़ उगने की कहानी पक्षियों के बीट या मल से शुरू होता है। तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए ये पीपल या बरगद के पौधे पेड़ों के टहनियों पर पनपते हुए पेड़ का रूप लेते हैं और एक दिन अपने आश्रय के पेड़ को त्याग करते हुए एक नए पेड़ के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस सच्ची कहानी से स्पष्ट होता है कि पीपल या बरगद के पेड़ों को बंजर भूमि पर भी लगाया या उगाया जा सकता है। यह नज़ारा ग्रिड स्थित सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय प्रांगण का है। यहाँ स्थित 300 वर्ष पुराना साल का वृक्ष है, जहाँ कभी भारत के महान जीव वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस अध्ययन किया करते थे। इस पेड़ के मध्य में एक बरगद अपना पांव पसार रहा है, आप इसे देख सकते हैं। इस श्रृंखला में आगे आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो गिरिडीह, चतरा और हजारीबाग जिलों से लिया गया है। वहाँ के पेड़ पौधों के कुछ फुटेज आप देखेंगे, जिसमें देखेंगे बरगद पीपल के जो पेड़ है वो अन्य पेड़ों पर किस प्रकार से उगाए हैं। तो आइए चलें इन पेड़ पौधों की दुनिया की ओर। इस प्रकार से इस वीडियो में आपने देखा कि एक से बढ़कर एक पेड़ पीपल बरगद के ये पेड़ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक पेड़ जब पुराने पेड़ सूख जाते हैं तो ये नए पेड़ के रूप में फिर से उसी स्थान पर अपने आप उग आते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन्हें हमें बचाना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए और पूरे पर्यावरण के लिए, पूरा पृथ्वी के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।